दोस्तों मेरे पास ये जो हैंडसेट है सैमसंग ब्रांड का है, यहाँ देखिए आपको सैमसंग की ब्रांडिंग मिलेगी और दोस्तों मॉडल नंबर है सैमसंग गैलेक्सी A30S। ध्यान से सुनिए, मॉडल नंबर है सैमसंग गैलेक्सी A30S। ओके, और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी A30S का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक रिमूव करने का सबसे आसान और सबसे सटीक तरीका। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ मैं डिवाइस को अनलॉक करता हूँ और आप देखेंगे दोस्तों डिवाइस हमारी जो है कि पिन लॉक है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप सैमसंग गैलेक्सी A30S यूज कर रहे हैं और आपकी डिवाइस पे किसी भी टाइप का लॉक लगा हुआ है, पैटर्न लॉक, पिन लॉक या पासवर्ड लॉक, तो आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप घर बैठे बैठे अपने सैमसंग गैलेक्सी A30S का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक रिमूव कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां दोस्तों इस डिवाइस को अनलॉक करने में आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, आप डिवाइस को पावर ऑफ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको करके दिखाता हूं। ये देखिए, मैं पावर बटन को प्रेस करूंगा, यहां से डिवाइस को मैं पावर ऑफ करूंगा, तो ये देखिए ये बोल रहा है कि पहले आप पिन डालिए, उसके बाद आप अपने डिवाइस को पावर ऑफ कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर हमें ये पिन पता नहीं है या पैटर्न पता नहीं है या पासवर्ड पता नहीं है, अगर हमें नहीं पता है तो हम अपने डिवाइस को पावर ऑफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कैसे इस डिवाइस को अनलॉक किया जाए इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। ठीक है, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो डिवाइस को अनलॉक करने से पहले दोस्तों आते हैं डिवाइस के राइट साइड में। डिवाइस के राइट साइड में आएंगे दोस्तों तो यहां पर आपको तीन बटन देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे ऊपर की तरफ देखिए वॉल्यूम अप है, उसके बाद वॉल्यूम डाउन और बिल्कुल नीचे एक तरफ ये पावर अनलॉक बटन है। ठीक है, अब दोस्तों इस डिवाइस को अनलॉक करने का जो मेथड है, सबसे पहले ये मेथड मैं आपसे शेयर कर देता हूं, उसके बाद ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब यहां दोस्तों एक चीज आपको ध्यान देना है कि आप डिवाइस को पावर ऑफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको करना ये होगा दोस्तों वॉल्यूम अप, डाउन और पावर बटन, इन तीनों बटन को आप एक साथ प्रेस करेंगे 10 सेकंड के लिए। ध्यान से सुनिए, वॉल्यूम अप, डाउन और पावर बटन, इन तीनों बटन को आप एक साथ प्रेस करेंगे 10 सेकंड के लिए। ठीक है, आफ्टर 10 सेकंड आपकी डिवाइस पावर ऑफ हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही पावर ऑफ होगी आप तीनों बटन से अपनी फिंगर हटा लेंगे और बिल्कुल तुरंत वॉल्यूम अप और पावर बटन को प्रेस कर देंगे। ठीक है, ऐसा करने से आपकी डिवाइस 110% रिकवरी मोड पे एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों डिवाइस हमारी पावर ऑन है। ठीक है, और यहां देखिएगा ध्यान से, ये रहा वॉल्यूम अप, डाउन और पावर बटन, मैंने इन तीनों बटन को एक साथ प्रेस किया हुआ है। ठीक है, 10 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे, डिवाइस हमारी पावर ऑफ हो जाएगी और जैसे ही पावर ऑफ होगी हम तीनों बटन से अपनी फिंगर हटा लेंगे और उसके बाद तुरंत वॉल्यूम अप और पावर बटन को प्रेस कर देंगे। आपने देखा, मैंने जैसे ही डिवाइस पावर ऑफ हुई हमने तुरंत वॉल्यूम अप और पावर बटन को प्रेस किया और फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देखिए डिवाइस टोटली हमारी रिकवरी मोड पे एक्टिव हो गई है। ओके, अब ये जो मेथड है दोस्तों एक बार फिर से मैं आपसे शेयर कर देता हूं। आपको करना ये है दोस्तों वॉल्यूम अप, डाउन और पावर बटन, इन तीनों बटन को 10 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। ओके, आफ्टर 10 सेकंड आपकी डिवाइस पावर ऑफ हो जाएगी और जैसे ही पावर ऑफ होगी आप तीनों बटन से अपनी फिंगर हटा लेंगे और बिल्कुल तुरंत वॉल्यूम अप और पावर बटन को प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो उसके कुछ सेकंड बाद आपकी डिवाइस रिकवरी मोड पे एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, आपने देखा डिवाइस हमारी टोटली रिकवरी मोड पे एक्टिव हो चुकी है। ठीक है, अब ऊपर की तरफ ध्यान से देखिए तो लिखा है एंड्रॉयड रिकवरी। ठीक है, तो अभी हमको करना क्या है दोस्तों, डिवाइस को अनलॉक करना है, डिवाइस का पैटर्न, पिन और पासवर्ड लॉक रिमूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल हमें जाना होगा वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट वाले ऑप्शन पे। ठीक है, तो बहुत आसान है, आप वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके चले आइए वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट वाले ऑप्शन पे। ठीक है, यहां पे आने के बाद आपको ओके करना है, तो ओके करने के लिए आपको सिंपल यहां पावर बटन को एक बार प्रेस करना होगा। जैसे ही पावर बटन को प्रेस करेंगे दोस्तों तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा, कैंसल और फैक्ट्री डेटा रीसेट। ठीक है, तो आपको सिंपली जाना है फैक्ट्री डेटा रीसेट वाले ऑप्शन पे। ठीक है, तो वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके आप चले आइए फैक्ट्री डेटा रीसेट वाले ऑप्शन पे। ओके, अब यहां पे आने के बाद आपको ओके करना है, तो ओके करने के लिए आपको पता है सिंपल यहां पावर बटन को एक बार प्रेस करना होगा और जैसे ही पावर बटन को प्रेस करेंगे दोस्तों यहां पे देखिए कुछ सेकंड वेट करने के बाद आपको डेटा वाइप कंप्लीट का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपको ये मैसेज आएगा डेटा वाइप कंप्लीट। ठीक है, और ऊपर की तरफ अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो लिखा हुआ है रिबूट सिस्टम नाउ, यानी कि सिस्टम को रिबूट करिए। तो सिस्टम को रिबूट करने के लिए आपको सिंपल यहां पावर बटन को एक बार प्रेस करना होगा और जैसे ही पावर बटन को प्रेस करेंगे दोस्तों आपकी डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी A30S यहां रिबूट हो जाएगी, यानी कि रिस्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए डिवाइस हमारी है सैमसंग गैलेक्सी A30S और डिवाइस हमारी रिबूट हो चुकी है। ठीक है, और अब आपको यहाँ दोस्तों वेट करना होगा डिवाइस को पूरी तरह से चालू होने के लिए। और एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों आपको
कि जब आपकी डिवाइस पूरी तरह से एक्टिव होगी, चालू होगी, तो आप देखेंगे दोस्तों कि आपके डिस्प्ले पे किसी भी टाइप का लॉक शो नहीं करेगा और आपकी डिवाइस पूरी तरह से अनलॉक हो चुकी होगी। दोस्तों इस मेथड को बोलते हैं हार्ड रीसेट, और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने सैमसंग गैलेक्सी A30s को बहुत आसानी से हार्ड रीसेट करके डिवाइस का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक रिमूव कर पाएंगे। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सवाल हो, तो आप अपने प्रॉब्लम, अपने सवाल मुझसे जरूर शेयर करें। आप हमारे YouTube वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम, अपने सवाल टाइप करें, मुझसे शेयर करें, मैं जल्द से जल्द आपको बेहतर से बेहतर सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आने वाली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए। तो यहाँ दोस्तों डिवाइस को हमने हार्ड रीसेट किया है, और ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब आप डिवाइस को हार्ड रीसेट करते हैं तो डिवाइस पूरी तरह से एक्टिव होने में वक्त लगता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों डिवाइस हमारी चालू होने वाली है, यहाँ स्टार्टिंग एंड्रॉयड, तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो कि इंस्टॉल होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो यहाँ भी आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा हमारी डिवाइस पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी, चालू हो जाएगी। और फाइनली दोस्तों ये देखिए डिवाइस रिबूट होने के बाद पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है, चालू हो चुकी है, ठीक है। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि जब आपकी डिवाइस पूरी तरह से एक्टिव होगी, चालू होगी, तो आपके डिस्प्ले पे किसी भी टाइप का लॉक शो नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ डिस्प्ले पे किसी भी टाइप का लॉक शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब हमें करना क्या होगा दोस्तों, सिंपल ये जो एंड्रॉयड सेटअप है इसे पूरी तरह से कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो चलिए ये एंड्रॉयड सेटअप कंप्लीट कर लेते हैं। इसके लिए सिंपल ये जो एरो है हम इस एरो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहां लिखा है आई हैव रीड, इस बॉक्स को चेक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट, ओके, और यहां से आपको सिंपल स्किप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहां से आप डोंट कॉपी कर दें, थोड़ा सा वेट करेंगे कुछ सेकेंड, उसके बाद नेक्स्ट करिए, ठीक है। मोर, एक्सेप्ट, ठीक है। यहां से दोस्तों आप चाहें तो पैटर्न, पिन, फिंगर या पासवर्ड यहां से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इस ऑप्शन को स्किप करूंगा, मैं सिंपल यहां स्किप पे क्लिक करूंगा, स्किप एनीवे, ठीक है। अब आपको सिंपल ये एंड्रॉयड सेटअप कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। यहां से आप स्किप पे क्लिक कर दें, स्किप, ओके, और फाइनली ऑल डन का मैसेज आ गया, आपको सिंपल फिनिश पे क्लिक कर देना है, ओके। ये जो एरो है आप इस एरो को थोड़ा सा ऊपर करें, ओके करें, और यहां से आप डन कर दें। और फाइनली दोस्तों ये देखिए जैसे ये एंड्रॉयड सेटअप मैंने पूरी तरह से कंप्लीट किया, आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी डिवाइस पूरी तरह से अनलॉक हो गई, एक्टिव हो गई। अब देखिए यहाँ किसी भी टाइप का लॉक शो नहीं कर रहा, ओके। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने सैमसंग गैलेक्सी A30s को बहुत आसानी से अनलॉक कर पाएंगे, डिवाइस का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक घर बैठे बैठे रिमूव कर पाएंगे। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।